तो गाइस वेनम द लास्ट डांस मूवी के अंदर हमें काफी सारे न्यू सिम्बियोट्स देखने को मिलते हैं जो एरिया 51 में चल रही क्लाइमेक्स बैटल के अंदर एक टीम बनाकर फाइट करते हैं ज़ीनोफेस के साथ और वेनम को प्रोटेक्ट करते करते खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं। इनका स्क्रीन टाइम बहुत ही कम होने के साथ साथ इम्पैक्टफुल भी था जिस वजह से ये फैंस को काफी पसंद आए। अगर आप भी इनकी ओरिजिनल एंड पावर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 1 फेज, ये वाला सिम्बियोट हमें सबसे पहले देखने को मिलता है जो लैब के एक साइंटिस्ट के साथ मर्ज हो जाता है। ये अपने बायोमास को मैनिपुलेट कर सकता है जिससे ये अपने होस्ट की फिजिकल एबिलिटीज को एनहांस कर देता है। इसी का यूज करके वो अपने बड़े बड़े मुक्कों के साथ एक शील्ड भी क्रिएट करता है, लेकिन इसकी बॉडी इतनी ड्यूरेबल नहीं है क्योंकि ये मिसाइल के एक ही अटैक से डिस्ट्रॉय हो जाता है। नंबर 2, अब इस सिम्बियोट का नाम तो मुझे नहीं पता लेकिन इसकी लुक स्पाइडरमैन 2 गेम वाले एंटी वेनम सूट से काफी मिलती है। मतलब मजाक में हम इसे एंटी शी वेनम बोल सकते हैं लेकिन ये उसके जितनी पावरफुल बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ज़ीनोफेज इसे इजीली मार के खा जाता है। नंबर 3 हाइब्रिड सिम्बियोट, ये कैरेक्टर एक्चुअली में 2 सिम्बियोट्स का फ्यूजन है जिनमें से एक ग्रीन और दूसरा ग्रीन के साथ साथ थोड़ा ब्लैक भी है और देखने में रायट जैसा लगता है। जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो इनके 2 सर हो जाते हैं और इनकी कैपेबिलिटीज भी इंक्रीज हो जाती हैं। पावर्स की बात करें तो ये अपने टेंटिकल्स को सरफेस पे शूट करके ओपोनेंट को ट्रैप करने के साथ साथ एक सिम्बियोटिक नेट भी क्रिएट कर सकते हैं। वैसे इनका कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है कि अगर 2 सिम्बियोट्स मिल जाए तो बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं, जो चीज पहले राइट भी कर चुका है, और अगर वेनम भी इसी फॉर्मूला का यूज करता तो ज़ीनोफेजेस को डिफीट कर सकता था। नंबर 4 फ्लैशर, कॉमिक्स के अंदर ये काफी पॉपुलर सिम्बियोट है जो एक्चुअली में एक मेल था लेकिन मूवी में हमें इसका ऑपोजिट वर्जन देखने को मिला क्योंकि ये एक फीमेल के साथ बॉन्ड हो जाता है। फिर भी इसका लुक एंड कलर सेम ही था और ये एक अच्छी कैरेक्टर है जो वेनम को भागने की सलाह देती है और फेज की डेथ के वक्त थोड़ी स्केर्ड सैड एंड एंग्री भी हो जाती है। इसके पास भी राइट एंड कार्नेज की तरह वेपन क्रिएशन की एबिलिटी है जिससे ये अपनी बॉडी से मल्टीपल टेंटिकल्स ग्रो कर सकती है जिनके ऊपर शार्प स्पाइक्स लगी होती है जिससे वो किसी भी चीज को काट सकती है और उसे क्लोज कॉम्बैट में हराना लगभग नामुमकिन है। नंबर 5 फायर सिम्बियोट, तो ये क्रिएचर काफी इंटरेस्टिंग था और बाकी सिम्बियोट से डिफरेंट भी क्योंकि जहाँ पर उनके लिए फायर एक वीकनेस है वहीं पर ये उसे बड़े आराम से यूज कर रहा था एंड इसकी बॉडी पर फ्लेम्स होने की वजह से ये बहुत ही बैडेस लग रहा था। अनफॉर्चुनेटली ये हमें सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए देखने को मिला जहाँ पर ये अपनी आर्म को एक फायर वेव की तरह यूज करता है जिसका अटैक अगर किसी सिम्बियोट को लगता तो काफी हैवी डैमेज होता, लेकिन ज़ीनोफेज को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और उसे कच्चा चबा जाती है। नंबर 6, अब कुछ लोग इसे टॉक्सिन भी बोल रहे हैं लेकिन इसका लुक एंड कलर टोटली डिफरेंट है। पैट्रिक मुलिगन जो कि हमें लेट देयर बी कार्नेज मूवी के एंड में भी देखने को मिला था, उसी एरिया 51 वाले कैप्चर कर लेते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करके एक स्नेक जैसा सिम्बियोट बना देते हैं। इसने भी मूवी में कुछ खास नहीं किया, बस वेनम को बचाने के लिए ज़ीनोफेज के साथ झपड़ पड़ा जिसे उसने नूडल की तरह खा लिया। नंबर 7 एगनी, कॉमिक्स की यह आइकॉनिक कैरेक्टर भी एक फीमेल सिम्बियोट है जो मूवी के अंदर डॉक्टर पाइन से मर्ज होती है। जब मूवी के एंड में सब कुछ तबाह होने वाला होता है तो डॉक्टर पाइन को अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए इसे यूज करना पड़ता है। ये अपनी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है और इसीलिए ये बहुत ही फास्ट भी है। एंड में हमें सिर्फ यही सर्वाइविंग सिम्बियोट देखने को मिलती है जो परफेक्टली अपने होस्ट के साथ बॉन्ड हो जाती है। वैसे कॉमिक ओरिजिन्स की बात करें तो एगोनी स्क्रीम फेज एंड लैशर वेनम के ही ऑफस्प्रिंग्स हैं जिन्हें लाइफ फाउंडेशन के अंदर बनाया जाता है। तो गाइस ये थे वो सारे कमाल के सिम्बियोट्स जो हमें वेनम द लास्ट डांस मूवी के अंदर देखने को मिले। इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ऐसी और भी मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना।